प्यारे बच्चों, कोविड 19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सके, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम से आराम करता हूँ। सुबह सुबह टेलीफोन। हेलो हेलो, कृपया डायल किया गया नंबर जांच लें, ये खड़ूसा का फोन नहीं है। फिर से फोन आ गया। अरे बोला ना, कृपया डायल किया गया नंबर जांच लें। हाँ, आज मैं घर पे नहीं हूँ। अरे बोला ना भाई, घर पे नहीं हूँ। मैं तुम्हारी आवाज पहचानती हूँ खड़ूसा, मुझे चकपक को तुम्हारे पास छोड़ना है। अरे गिचपिच दीदी, पहले क्यों नहीं बताया? हा? चकपक को पास छोड़ना है। अरे दीदी, आज तो मैं घर पे नहीं हूँ। खड़ूसा। अरे बोला ना दीदी, मैं घर पे नहीं हूँ। खड़ूसा। अरे बोला ना कि मैं घर पर ही हूँ। ये रहा तुम्हारा भांजा चकबक, और ये रहा उसका सामान। मैं चलती हूँ। अरे दीदी सुनो तो भाई, मैं कबाड़ से जुगाड़ संभाल सकता हूँ, ये मुन्ना कहाँ संभालूंगा। ओफो खड़ूसा, भाई कोशिश करोगे तो मुन्ना को भी संभाल ही लोगे ना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय खड़ूसा। बाय बाय दीदी। ओ कहाँ फंस गए? चकबक। अरे मेरे खड़ूस भांजे, सोते रहना, जागना मत, समझे? खड़ूसा। अरे आथू चमकी कहाँ से आ गई? हाय खड़ूसा, देखो ना मेरे डैडी की पोस्ट हो गई है। ये कौन बोला? मैं बोला। अरे अच्छा, ये देखो यहाँ भी छोटा बेबी है। इसका नाम क्या है खड़ूसा? इसका नाम चकबक है, और तुम दोनों ने इसे जगा दिया है। अब ये रोने वाला है। क्या करूं? हाँ मैं इसके लिए दूध लेकर आता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना होगा। हम तो इसे यूं चुप करा लेंगे। चलो खेलते हैं। हेलो बेबी, ये लो डैडी। खेलो खेलो। क्या आइडिया? ग्रोवर,
अरे भाई ग्रोवर, थोड़ा सा दूध दे दो भाई। ओए खडूसा, कबाड़ से जुगाड़ तो ठीक है, पर ये बेबी बोतल से दूध पीना तुम पे सूट नहीं करेगा। अरे भाई ये मेरे लिए नहीं, खडूस बेबी चकबक के लिए है, उसे संभालना इतना आसान नहीं है, थोड़ा जल्दी दे दो भाई। अरे प्यारे चकबक, अरे अरे चकबक बेटा, लो बेटा दूध पियो। कोई बात नहीं, मैं भी इसका खड़ूस मामा हूँ, इसे तो मैं चुप करा कर रहूंगा। इसको एक कहानी सुनानी होगी। आचू चमकी, तुम पी आंटी के पास से कोई अच्छी सी कहानी की किताब ले आओ, तब तक मैं कुछ और सोचता हूँ। हाँ, ठीक है, चल चलो। मम्मी, इसे मम्मी की याद आ रही है। भाई काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अलग अलग तरीकों से ट्राई करते रहना चाहिए। मम्मी चाहिए तो मम्मी मिलेंगी। लल्ला लल्ला नोरी, दूध की कटोरी। अरे मोहतरमा, आप कौन है? हमारे खडूसा जी कहाँ गए? किताब तो खडूसा, तुम कितनी स्वीट मम्मी लग रहे हो। अरे भाई तुम की किताब दो, ये लो। एक बार की बात है कि एक कछुआ और एक बहुत हुआ, तुम्हें दूध नहीं पीना, लोरी नहीं सुननी, कहानी भी नहीं सुननी, और मैं यहाँ मम्मी बना हुआ हूँ। आखिर तुम क्या चाहते हो खडूस बेबी चकबक? कोशिश करते रहने से कोई ना कोई तरीका निकल ही आता है। किच पिच लोरी, कबार की कटोरी, कबार है कबाशा, चकबक मारे खराटा। चकबक चकबक, अरे चकबक चकबक। हाँ, हेलो जी, मैं हूँ ग्रोवर और मैं ढूंढ रहा हूँ आज का शब्द। तो बताओ क्या है आज का शब्द? कोशिश। कोशिश का मतलब क्या होता है? ट्राई। जब हमें कुछ अचीव करना है तब हम कोशिश करते हैं। आप क्या क्या कोशिश करती हो? डांस में कोशिश करती हूँ। 1 2 3 4 खेलने में और पढ़ने में। मैं इस पजल को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक टांग से खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी जुबान से अपनी कोहनी को छूने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने आप जूते बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ग्रोवर इस रस्सी पे चढ़ने की कोशिश करेगा। शुरू करें? हाँ मम्मा। ताली बजाओ, फिर पंख फैलाओ, यू सर को घुमाओ और गोल घूम जाओ। हाँ मम्मा, वाह। समझे? हाँ, एमो समझ गया। एमो को सारे स्टेप याद हो गए, अब एमो अपने आप कर लेगा। पापा के आने से पहले एमो सीख लेगा फादर्स डे के लिए। ठीक है,
तो तुम प्रैक्टिस करो, तब तक मैं पापा का गिफ्ट पैक कर देती हूँ। ठीक है। यही। अब एमओ प्रैक्टिस करेगा। ओके, शुरू। पहले पंखा फैलाओ। ये नहीं था। ओके, पहले ताली बजाओ, फिर पंखा फैलाओ, फिर सर को घुमाओ और फिर से शुरू। पहले ताली बजाओ, फिर पंख फैला, फिर सर को घुमा। ये तो वही नहीं रहा। ये देखो एल्मो, हो गया। तुमने प्रैक्टिस कर लिया? एमो से डांस नहीं हो रहा मम्मी। अरे पर अभी तो तुम कर रहे थे। नहीं मम्मी, एमो से नहीं हो रहा। पर अब एमो पापा को हैप्पी फादर्स डे कैसे विश करेगा? मुझे पता है एल्मो, तुम्हें मुश्किल लग रहा है, पर कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। नहीं, एमो नहीं कर सकता। एमो के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। वो स्टेप थोड़ा मुश्किल तो है, पर अगर तुम डांस करना चाहते हो तो एक ही तरीका है। क्या तरीका? तरीका ये है कि जब तक तुमसे वो काम हो ना जाए, तुम बार बार कोशिश करो। अच्छा एक कहानी सुनोगे? कहानी? एक था तेज खरगोश, उसे अपने दोस्तों के साथ कूदना बहुत पसंद था। सुनो सुनो, जो मारेगा गुलाटी गेम्स में ऊंची गुलाटी, वही बनेगा गुलाटी चैंपियन। सुनो सुनो सुनो। मुझे भी गुलाटी मारना सीखना है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कल आना। ओके। अच्छा चलो शुरू करते हैं। अरे लगता है मुझसे ये नहीं होगा। होगा होगा, शुरू शुरू में ना हो पाए तो कभी ना मानो हार, कोशिश करते रहने से हो जाओगे पार। ठीक है, फिर से कोशिश करता हूँ। शुरू शुरू में ना हो पाए तो कभी ना मानो हार, कोशिश करते रहने से हो जाओगे पार। ठीक है, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। हो गया। मुझे कोशिश करने के बारे में बताने के लिए शुक्रिया दोस्त, मैं और प्रैक्टिस करूँगा। शुरू शुरू में कुछ न हो पाए तो कभी न मानो हार, कोशिश करते रहने से हो जाओगे पार। ये। मम्मी, एमो फिर से कोशिश करेगा। शाबाश, तुमने प्रैक्टिस नहीं रोकी तो तुम जरूर सीख जाओगे। शुरू करें? हाँ मम्मा। शुरू। पहले ताली बजाओ, फिर पंख फैलाओ, फिर सर को घुमाओ और आराम से। अल्मो बहुत अच्छा कर रहे हो, कोशिश करते रहो। ठीक है, फिर से। शुरू। पहले ताली बजाओ, फिर पंख फैलाओ, फिर बढ़िया अल्मो, अब सिर्फ बाद वाले स्टेप करते हैं। यूं सर को घुमाओ और गोल घूम जाओ। आराम से, धीरे धीरे करो। आराम से? ठीक है। फिर सर को घुमाओ और गोल घूम जाओ। हाँ। एमो से हो गया मम्मा। हाँ एमो, अब पूरा एक साथ। ठीक है। शुरू। पहले ताली बजाओ, फिर पंख फैलाओ, फिर सर को घुमाओ और
ब्रेक के बाद मिलेंगे एक नए दोस्त से। और गणित की दुनिया में देखेंगे अनी की नई चाल। वाह, एक बड़ा भालू, उससे भी बड़ा भालू और सबसे बड़ा भालू। गली गली सिम 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 सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम 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 सिम, गली गली सिम सिम। हाय बर्ट, प्लीज मेरे साथ खेलो ना। अभी नहीं अर्नी, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ओह, एक बढ़िया आइडिया है। अर्नी, मुझे ये किताब खत्म करनी है। एक खेल खेलते हैं। ठीक है, बताओ, पर मजेदार होना चाहिए। चलो मेरे साथ आओ बर्ट। अर्नी, हम कहाँ हैं? घबराओ नहीं बर्ट, अभी पता चल जाएगा। ये कौन सी जगह है? ये है गणित की दुनिया। तो बर्ट, आज हम खेलेंगे करो भालू खुश जीतो इनाम। वाह, एक बड़ा भालू, उससे भी बड़ा भालू और सबसे बड़ा भालू। पर अर्नी, ये भालू परेशान क्यों लग रहे हैं? बट ये परेशान इसलिए हैं क्योंकि इनके खाने का टाइम हो गया है, लेकिन इनके प्लेट्स और चम्मच आपस में मिल गए हैं। बट तुम्हें हर भालू के साथ में उसका सही चम्मच और उसकी सही प्लेट रखनी है। यानी बड़े भालू को देना है बड़ा चम्मच प्लेट, उससे बड़े भालू को उससे बड़ा सामान और सबसे बड़े भालू को सबसे बड़ा सामान, और तब ये हो जाएंगे खुश और तुम जीतोगे इनाम। समझा, गेम शुरू करो अर्नी। ये लो बर्ट, इनकी प्लेट्स और चम्मच। ये रही बड़ी प्लेट, और ये उससे भी बड़ी, और ये सबसे बड़ी प्लेट। बड़ी प्लेट, उससे भी बड़ी प्लेट और सबसे बड़ी प्लेट। ये है बड़ा चम्मच, और ये उससे भी बड़ा, और ये सबसे बड़ा। बड़ा चम्मच, उससे भी बड़ा चम्मच और सबसे बड़ा चम्मच। इन सबको साइज के मुताबिक लगा दिया। अब सही चीज सही भालू को देनी है। ये बड़ी प्लेट और चम्मच जाएगी बड़े भालू को, ये प्लेट और चम्मच उससे भी बड़े भालू को, और ये सबसे बड़े भालू के लिए सबसे बड़ी प्लेट और चम्मच। देखो अर्नी, मैंने कर दिया, हर भालू को सही सामान मिल गया और वो हो गए खुश। मैं जीत गया, अब मेरा इनाम। तुम इनाम नहीं जीते बर्ड। मैं समझा नहीं अर्नी। आज का गेम था करो भालू खुश और जीतो इनाम, पर ये तो खुश नहीं है। अपने चम्मच और प्लेट पाने के बाद इनको खुश होना चाहिए था ना। चम्मच और प्लेट तो जरूर मिल गए इन्हें, पर खाना नहीं मिला बर्ड। मगर हाँ, अगर तुम इनके लिए खाना ले आते हो तो ये हो जाएंगे खुश और तब तुम जीत जाओगे इनाम। आओ अर्नी। मेरा नाम है हेरा, मैं तो वहाँ रहता हूँ। ये नागालैंड में पहाड़ों पे, मैं भी रहता हूँ पहाड़ पे। सबको पता है नागालैंड में सब टोपी पहनता है। मैं भी आज अपने लिए एक टोपी लेने आ रहा हूँ। यहाँ पे तो थाई भी मिलती है। मुझे तो काला वाला पसंद है, मैं तो वो लूंगा। अच्छी है ना? ये तो बहुत सुंदर है। आपको मालूम है ये कैसे पता है? मेरे पड़ोसी थोड़े से अंकल बनाते हैं। ऐसे बनते हैं टोपी, बांस की लकड़ी में रो को सुखते हैं, उसको बहुत प्यार से बांधते हैं। काले टोपी में बार बार मिलाते रहो, इसे ये रंगी हो जाएगा। देखो अच्छा है ना, ऐसे बनते हैं टोपी, नगा टोपी। तो ऐसे अंकल में मुझे पूरा नागा योद्धा बना दिया। मुझे अच्छा लगा उन्हें।
मैं चला आपकी तबे लेकर। लल्ला, अरे तत्त्व। हाय! तुम्हें पता है आज एमओ से मिलने स्कूल में राया आने वाली है। हाँ। हाय एमओ। हाय राया। हाय। एमओ, कितना अच्छा स्कूल है। कितना साफ है ना, चारों तरफ चकमक सफाई है ना। हाँ, को सफाई बहुत पसंद है राया। वाओ राया, क्या तुम जानना चाहो कि एमओ अपने दोस्तों के साथ मिलकर कैसे सब कुछ चकमक चकमक साफ रखता है? हाँ हाँ जरूर, दिखाओ दिखाओ एमओ। तो चलो। ये सच्चा दोस्त हमको साबुन मिला है, सब कुछ सफा है, साफ हो गया है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गली गली सिम 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 सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम 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 सिम, गली गली सिम सिम। सब कुछ सफा है, साफ हो गया है। जग 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 मग जग मग, जग 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 मग जग मग, सब कुछ सफा है, सब कुछ सफा है, साफ हो गया है। सफाई में देखो कितना मजा है, हर दिन मुझको लगता है जैसे सफाई से सब कुछ चमक गया है। रहो साफ, रखो साफ, एट होम इन द स्कूल है गुड, ये मत भूल। सफाई इज ग्रेट, सफाई स्कूल, सफाई इज ग्रेट, सफाई स्कूल, सफाई। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728585 पर संपर्क कर सकते हैं।